तो थंबल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे पथरी गलाने की 100% कारगर सिद्ध की गई होम रेमेडी, जिसे आप पथरी के मरीज को सुबह खाली पेट कुछ खाने के आधा घंटा पहले देते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में ही देखने को मिलने लगेगा। अगर आप दवाई कराते कराते परेशान हो गए हैं तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसे किन किन चीज़ों से बनाए हैं हमने। यहाँ पे लिए हैं पत्थरचूर। ये पत्थरचूर कुछ इस तरीके से होते हैं, आप में से बहुत लोग इसे जानते होंगे। इसे हम अपने गार्डन में इतना ही लगा देंगे तो ये बहुत बड़ा पौधा बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हमने लिए हैं पपीते का सोर, तो इतना नहीं पीसेंगे, बस इतना ही काट के हम पीसेंगे जूस बनाने के लिए। और पत्थरचूर के 2 पत्ते हमने यहाँ पे लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर ये पत्ते नहीं मिलते तो बस पपीते के सूर को ही पीस के इसका जूस निकाल के पथरी के मरीज को देंगे तो बहुत ही फायदा करता है। हमने यहाँ पे पपीते के सूर के टुकड़े कर लिए हैं। अब हम एक मिक्सी जार में इन टुकड़ों को डालेंगे और अपने पत्थरचूर के पत्तों को भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए। तो चलिए इसे हम फटाफट से पीस लेते हैं। तो देखिए हमारे पपीते के सोर और पत्थरचूर के पत्ते कितने अच्छे से पीस के रेडी हो गए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से पीसे हैं ये। अब हम इनका जूस निकालेंगे। तो चलिए इसका जूस निकाल लेते हैं जल्दी से। तो हमने यहाँ 1 कप और 1 छन्नी ली है, जिसमें इस तरीके से पीसे हुए पत्थरचूर और पपीते को हाथ से अच्छे से दबा के इसका जूस हमने निकाला है कुछ इस तरीके से। इसे आप एक बार पथरी के मरीज को ज़रूर से पिलाइए, फिर आप कहेंगे कि कितना अच्छा दवाई है। तो देखिए इसके गुच्छे ये हैं, तो ये किसी काम के नहीं है तो इसे फेंक देते हैं। और हमारे पास कुछ इतना जूस निकल के आया है, ये 2 चम्मच के करीब है, इससे ज़्यादा मत बना के दीजिएगा, बस इतना ही देना है सुबह सुबह खाली पेट। ये बहुत ही फायदा करता है पथरी के मरीजों को। इसका सेवन करके कई लोगों ने अपने पथरी की प्रॉब्लम को दूर किया है और इसका 100% रिजल्ट देखने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना आपके सामने ये पेश किया जाए। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, फिर बताइएगा कि असर किया या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।